नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स। बेसिकली सीपीयू रजिस्टर सीपीयू की इंटरनल मेमोरी को कहते हैं। सीपीयू को अगर आप डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसमें एक पार्ट उसका मेमोरी यूनिट होता है और उस मेमोरी यूनिट में नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। हर सीपीयू के अंदर, यानी डिफरेंट ब्रांड के सीपीयू मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हर ब्रांड के सीपीयू का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है और डिफरेंट आर्किटेक्चर के बिहाव पर उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और कुछ कॉमन होते हैं जो तमाम सीपीयू में सेम होते हैं। ठीक है, ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये डिफरेंट साइजेस में होते हैं। ठीक, यानी डाटा जब भी आपने प्रोसेस के लिए सीपीयू को असाइन करना है या प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले डाटा जो प्लेस होता है सीपीयू के अंदर वो रजिस्टर्स ही हैं जिनके अंदर डाटा प्लेस किया जाता है, यानी बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग। डाटा किस में प्लेस होता है? सीपीयू के रजिस्टर्स में। अब ये रजिस्टर डिफरेंट साइजेस में होते हैं, कोई 8 बिट का होता है, कोई 16 बिट का, कोई 32 बिट का और कोई 64 बिट का और कोई 128 बिट का। ठीक है, तो डिफरेंट साइज में रजिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। ठीक, और जो रजिस्टर की स्पीड होती है बाकी मेमोरी से ज्यादा होती है, फास्ट होती है, जैसा कि कैशे है, रैम है और अदर स्टोरेज यूनिट से भी ज्यादा है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो ये हमारे पास मेमोरी हायरार्की की स्लाइड है जिसमें जो रजिस्टर है इस पिरामिड में टॉप ऑफ द लिस्ट है, मतलब ये टॉप पर है रजिस्टर, और इसका मतलब ये है कि रजिस्टर्स की जो स्पीड है बाकी मेमोरी से ज्यादा है। अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में हमारे पास एक एग्जांपल मैं कोट करता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक बाइक है और उसको आपने रिपेयर करवाना है तो आप रिपेयरिंग के लिए एक मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। जो मैकेनिक की शॉप होती है उस शॉप के अंदर एक बड़ा बोर्ड होता है जो कि वॉल के साथ लगा होता है और उस पर डिफरेंट टूल्स हैंग किए होते हैं। ठीक है, और जब वो आपकी बात सुनता है मैकेनिक, जब आपकी बाइक के हवाले से बात सुनता है कि कौन कौन सी चीज रिपेयर करनी है, तो उसके मुताबिक रेलिवेंट टूल्स उस बोर्ड से पिक करता है और एक छोटी ट्रे में प्लेस कर देता है और उस ट्रे को आपके बाइक के पास लेके आता है और वहां से जिस टूल की जरूरत होती है उस ट्रे में से पिक करता है, उसे यूज करता है और रिपेयर करने के बाद दोबारा से टूल ट्रे के अंदर प्लेस कर देता है। आफ्टर रिपेयरिंग, यानी रिपेयरिंग कंप्लीट होने के बाद जितने भी टूल्स ट्रे में पड़े हुए थे उसको दोबारा से प्लेस कर दिए जाते हैं बोर्ड के ऊपर, जो कि दीवार के साथ जो हैंग किया होता है, बोर्ड लगा होता है उसके साथ, उसमें तमाम टूल्स को हैंग कर दिया जाता है वापस। तो अगर आप बोर्ड को देखें तो बोर्ड जहां पे टूल्स है उसकी वो एग्जांपल है, आपके पास रैम की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप ट्रे को देखें तो ट्रे आपके पास कैशे की एग्जांपल है, और अगर मैकेनिक का हाथ देखें तो वो आपके पास रजिस्टर्स की एग्जांपल है। यानी फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन या फौरी तौर पर जो प्रोसेसिंग करनी है उसने उस टूल से करनी है जो हाथ में है। ठीक है, इसी तरह से फौरी तौर पर डाटा अगर उसने पिक करना है, कोई और टूल पिक करना है तो वो कैशे से पिक करेगा। कोई और डाटा चाहिए तो वो कैशे से पिक करेगा, अगर कैशे में नहीं है तो कहाँ से? रैम से पिक करेगा। तो इस तरह से आपके पास जो रजिस्टर्स की जो स्पीड होती है बाकी मेमोरी से ज्यादा होती है। ठीक है, यानी रजिस्टर्स के अंदर बेसिकली हम तीन तरह की चीजें स्टोर कर सकते हैं। या तो आप इंस्ट्रक्शन प्लेस कर सकते हैं, या किसी स्टोरेज का एड्रेस प्लेस कर सकते हैं, या किसी भी किस्म का डाटा आप प्लेस कर सकते हैं। यानी ये रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, कोई डाटा स्टोर करने के लिए, या फिर किसी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्स टाइप। रजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो 32 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। इनमें 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, उनके नाम EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI, EDI। ये 8 रजिस्टर्स हैं जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि आप इनको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आइदर आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या एड्रेसिंग के लिए, पॉइंटर के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
जनरल पर्पस रजिस्टर के बाद हमारे पास जो है वो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। सेगमेंट रजिस्टर जो होते हैं वो 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं और इनके जो नाम है CS, SS, DS, ये हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। सेगमेंट बेसिकली एक पोर्शन को कहते हैं, यानी पोर्शन से मुराद एक प्रोग्राम, जब असेंबली का एक प्रोग्राम बनाते हैं तो जब रैम में उसको स्पेस मिलती है तो वो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। जब डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया जाता है तो उस सेगमेंट के लिए अलग से एक रजिस्टर यूज होता है जिसको हम सेगमेंट रजिस्टर बोलते हैं। इसी तरह कुछ और रजिस्टर्स हैं जिनमें ई फ्लैग रजिस्टर्स है और EIP रजिस्टर। ई फ्लैग रजिस्टर 32 बिट का है, इसमें 32 बिट्स हैं जो कि बताती हैं कि इस वक्त करंटली ऑपरेशंस के इफेक्ट्स क्या हैं, जो भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसके इफेक्ट्स क्या हैं, या फिर कि कंप्यूटर में किस किस्म की एक्टिविटी होनी है या हो रही है, तो ई फ्लैग रजिस्टर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह एक और रजिस्टर है जिसको हम EIP रजिस्टर बोलते हैं। EIP से मुराद एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये वो रजिस्टर है जिसमें एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जिसने वेरी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। ऐसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसने वेरी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, तो EIP रजिस्टर जो है उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करता है जिसने वेरी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इन रजिस्टर्स के नेम है। पहले हमारे पास सिंबल्स थे, अब हमारे पास सिंबल्स विद नेम। तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उसमें पहला जो रजिस्टर है EAX, उसको एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसी तरह EBX एक्सटेंडेड बेस रजिस्टर, ECX एक्सटेंडेड काउंटर रजिस्टर, EDX एक्सटेंडेड डेटा रजिस्टर और EBP एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर, ESP एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, ESI एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स और EDI एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो ये हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं जो कि 32 बिट के हैं और जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। इनके नाम अब आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं, सिंपली लेटर बेस है, जैसे EAX, EBX, ECX, EDX। अगर दूसरे एंड पे दूसरे चार जो जनरल पर्पस हैं उसको आप देख सकते हैं EBP, ESP, ESI, EDI। ये आपके पास सोर्स इंडेक्स, ये डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये बेस पॉइंटर, ये स्टैक पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है। CS से मुराद कोड सेगमेंट, DS से मुराद डाटा सेगमेंट, SS से मुराद स्टैक सेगमेंट। ठीक है, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट में और इन सेगमेंट के नाम क्या है, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। यानी जितनी भी कोडिंग आपने परफॉर्म करनी है कोड सेक्शन में लिखनी होती है, कोड सेगमेंट में लिखनी होती है, और जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में वो डाटा सेक्शन में या डाटा सेगमेंट में आपने यूज करने होते हैं, लिखने होते हैं, ठीक है, डिफाइन करने होते हैं या डिक्लेयर करने होते हैं। अच्छा जी, स्टैक स्टोरेज के लिए, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, फंक्शंस के लिए, फंक्शन कॉलिंग के लिए आप स्टैक सेगमेंट को यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास ई फ्लैग से मुराद एक्सटेंडेड फ्लैग रजिस्टर है और EIP से मुराद एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। यानी ये वो तमाम रजिस्टर जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे उनके नाम, और अब उनके नाम और सिंबल और नेम दोनों रिप्रेजेंट किए गए हैं इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, हमारे पास पहला जो रजिस्टर है जिसको जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास पहला जो रजिस्टर है EAX कहते हैं उसको। ठीक है, EAX बेसिकली 32 बिट का है। अगर आप इसके दो हिस्से डिवाइड करें, मिडल से आप डिवाइड करें उसको, दो हाफ हिस्सों में आप डिवाइड करें, तो आपके पास जो लोअर 16 बिट का जो रजिस्टर बनता है या जो स्पेस होती है उसको हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं, सिंपल एक्यूमुलेटर AX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 16 बिट का है, और अगर आप इस 16 बिट रजिस्टर को मजीद दो हिस्सों में आप डिवाइड करें तो आपके पास 8-8 बिट के दो सब रजिस्टर बनते हैं जिसको हम AL या AH बोलते हैं। AL एक्यूमुलेटर लोअर हाफ, एक्यूमुलेटर हायर हाफ, तो दोनों 8-8 बिट के हैं। इस तरह से आप EAX की टोटल कैपेसिटी जो कि 32 बिट है उसको चार तरीकों से यूज कर सकते हैं।
आठ आठ बिट के दो, 16 बिट का एक और 32 बिट का एक। अगर आपके पास 8 बिट का डाटा है और EAX में आप उसको प्लेस करना चाहते हैं तो आप उसमें से AL को यूज करें या AH को यूज करें, ठीक है। अगर आपके पास 8 बिट से ज्यादा है डाटा, मतलब 9 बिट का है, 10 बिट का है, तो आपको AX यूज करना चाहिए 16 बिट के लिए, यानी इसमें 16 बिट की कैपेसिटी होती है। और अगर आपके पास 16 बिट से एक बिट भी एक्सीड कर जाती है, यानी 17 बिट हो जाती है या 18 बिट हो जाती है, तो फिर आप यूज करेंगे EAX, टोटल 32 बिट यूज करेंगे उसकी कैपेसिटी को। इसी तरह अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपके पास EBX को भी फर्दर उसी तरह से डिवाइड किया गया है, 32 बिट, 16 बिट, 8 बिट, फिर 8 बिट। और इसी तरह से आपके पास ECX है, ECX को CX, CH, CL इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और EDX आपके पास DX है, DH, DL, ये 16 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये लोअर हाफ और ये हायर हाफ, ठीक है। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर रजिस्टर के जो पहले चार हैं वो आपके सामने हैं, उनकी डिवीजन आपके सामने है, उन्हें किस तरह से आप डिफरेंट कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं, 8-8 बिट के दो, 16 बिट का एक और 32 बिट का एक। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 16 बिट में आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, 32 बिट के जो चार हैं आपके पास, जो रिमेनिंग चार हैं, जिसको हम ESI एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स, इसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं 16 बिट में, जिसको हम कह सकते हैं सोर्स इंडेक्स। एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स को आप सिंपली आप यूज करते हैं 16 बिट में, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स, और EBP को आप फर्दर आप यूज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 16 बिट में BP में बेस पॉइंटर। और इसी तरह से आपके पास एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर को आप फर्दर आप डिवाइड करें तो आप 16 बिट में यूज कर सकते हैं, जिसको आप स्टैक पॉइंटर रजिस्टर या SP बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एरिया को आप डिवाइड कर देते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको यूज करवाते हैं सेक्शन के बिहाफ पर। तो आपके प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं, उन डिफरेंट सेक्शंस को हम सेगमेंट बोलते हैं, और हर सेगमेंट के लिए एक सेपरेट सेगमेंट रजिस्टर होता है, और सेगमेंट रजिस्टर जो होते हैं वो 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपके पास ये एक प्रोग्राम है, अगर आपके पास असेंबली का, तो पहला सेक्शन जिसका नाम है कोड सेगमेंट, इस सेक्शन या इस सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो मेंटेन होगा, वो CS के बिहाफ पर मेंटेन होगा, यानी CS के पास इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। कोड सेगमेंट रजिस्टर का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो CS के पास होगा। इसी तरह स्टैक सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो SS के पास होगा। डेटा सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो DS के पास होगा, और एक्स्ट्रा सेगमेंट का ES के पास होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि वो रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करता है जिसने वेरी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ई फ्लैग है। ई फ्लैग रजिस्टर्स में मैंने आपको बताया कि तीन तरह की बिट्स होती हैं, टोटल 32 बिट्स, और फर्दर उसको हम तीन तरह की कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं। एक है स्टेटस बिट्स, दूसरी कंट्रोल बिट्स, और तीसरी रिजर्व बिट्स। रिजर्व बिट्स एक्सपेरिमेंटल के लिए है, कंट्रोल बिट्स आपको बताती है कि किस किस्म की कंट्रोलिंग कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होनी है। यानी ई फ्लैग बिट 32 बिट पर मुश्तमिल, और हर बिट का कोई ना कोई एक मतलब है, एक पर्पज है। स्टेटस बिट्स का मतलब ये है कि आपको बताया जाता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस वक्त जो करंटली ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उस ऑपरेशन के बिहाफ पर कौन सी स्टेटस बिट्स इफेक्ट हुई है, जिनमें कैरी फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एटसेट्रा। तो ये आपके पास स्टेटस बिट्स हैं जो कि चेंज होती हैं, इफेक्टेड होती हैं बाय डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रे एरिया है ये बेसिकली रिजर्व बिट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। टोटल कितनी है, 32 बिट्स, ठीक। ये कुछ एब्रीवेशन है यहाँ पे मेंशन है, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगर बिट कोई भी फ्लैग बिट अनेबल होती है तो हम उसको कहते हैं फ्लैग इज सेट। अगर वो जीरो होती है मतलब ऑफ होती है तो उसको हम कहते हैं फ्लैग इज क्लियर या इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ स्पेशल कंसेप्ट हैं, उनमें पहला जो कंसेप्ट है EAX के बारे में, यानी जनरल पर्पस रजिस्टर में जो पहला रजिस्टर है EAX, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऑटो यूज होता है। मींस के आपने मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में EAX को यूज कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद यूज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें कि हमने EAX में 10 मूव किया, कॉपी किया EAX में 10 और EBX में 5 प्लेस किया और मान लिखा है EBX, यानी मल्टीप्लाई किया है EAX को EBX के साथ। यहाँ पे देखें हमने EAX प्लेस नहीं किया, एक ही ऑपरेंड लिखा है EBX, मल्टीप्लायर हमने लिखा है मल्टीप्लिकेंड नहीं लिखा। तो अगर आप इसको कमेंट्स में देखें तो कमेंट्स में हमारे पास EAX इज इक्वल टू EAX मल्टीप्लाई बाई EBX, यानी ये EAX मल्टीप्लाई होगा EBX के साथ और जो भी आंसर होगा वो EAX में प्लेस कर दिया जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब आपके सामने ये वाली इक्वेशन है जिसको आप कैलकुलेट करके EAX में ही आंसर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ECX। ECX को लूप काउंटर भी बोलते हैं, यानी हमने जब असेंबली प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें जितने भी आप लूपिंग परफॉर्म करेंगे तो उसमें लाजमी तौर पर ECX को आप यूज करेंगे लूप काउंटर के तौर पर, और इसकी जो वैल्यू होगी नॉन नेगेटिव होगी, मतलब मोर देन जीरो होगी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको बतानी पड़ेगी कि ECX को बताना पड़ेगा कि कितने आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। अगर आपने 10 टाइम एक लूप चलाना है तो ECX की वैल्यू 10 होगी इनिशियली, क्लियर। और इसी तरह आप फ्लैग को डील करने के लिए ESP रजिस्टर बाय डिफॉल्ट यूज होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा, अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।